अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फातिमास कुकिंग स्पॉट। आज हम बना रहे हैं चिकन रेशमी कबाब। तो इसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट ले लिया है और उसको मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया है। साथ में लिया है पुदीने की पत्तियां, 5 ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर लीव्स, आधा कप कोरिएंडर लीव्स लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट, आधा लेमन जूस, और यहाँ पर है दूध की मलाई, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच और आधा चम्मच शुगर, आधा कटोरी मैंने दही लिया है, और यहाँ पर स्टिक लिया है जो कि मैंने पानी में भिगो के रखे, और थोड़ा सा हम लेंगे ब्लैक पेपर पाउडर आधा चम्मच। तो सबसे पहले हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने ले लिया है एक मिक्सर जार, उसमें ऐड कर देंगे धनिया की पत्तियाँ, पुदीने की पत्तियाँ, ग्रीन चिल्ली, जिंजर गार्लिक पेस्ट, शुगर, लेमन जूस, दही, सॉल्ट टू टेस्ट और ये दूध की मलाई ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, और इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम ऐड कर लेंगे चिकन, और ये पेस्ट ऐड कर लेंगे जो हमने मिक्सर बनाया है मैरिनेट के लिए। इन चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो 30 मिनट्स हो गए हैं इसे रेस्ट करते हुए। अब हम एक एक स्टिक लेंगे और चिकन को इसमें ऐड करते जाएंगे। तो एक स्टिक में हम 4 चिकन ऐड करेंगे। तो देखिए हमने ऐड कर लिया है और इसको हम साइड में रख लेंगे, और इसी तरह से सारे चिकन को स्टिक में ऐड करते जाएंगे। तो देखिए हमने सारे स्टिक में ऐड कर लिया है। अब हम इसे सिंपली फ्राई कर लेंगे। तो एक मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें हम ऐड कर लेंगे ऑयल, और ऑयल को अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे। ऑयल अच्छा गर्म होने के बाद हम एक एक चिकन स्टिक ऐड कर लेंगे। एक टाइम पे जितना चिकन स्टिक आएगा पैन में उतना ऐड कर लेंगे, और उसके ऊपर से ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल, और एक साइड में जब हम फ्राई कर रहे हैं तो 2 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे, ताकि अगर कुछ कच्चापन है तो वो भी अच्छे से पक जाए। और फिर तो इसी तरह से चिकन को उलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन ना आए और अच्छे से ये पक जाए। तो हमने बाद में जो 2 चिकन स्टिक ऐड किया है उसमें भी हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे, और उसे भी उलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कि जो चिकन रेशमी कबाब है उसको हमने उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लिया है, और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई भी हो चुके हैं। तो हम इसे सिर्फ सिंपली सर्व कर लेंगे। तो इसे घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।